आज है 1 जनवरी और आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम लोग भगवान की पूजा से। तो हमारी सोसाइटी में ही एक दुर्गा माँ का मंदिर है, तो वहाँ हम लोग जाएंगे पूजा करने। सभी लोग आज के दिन मंदिर आते हैं, सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका जो आने वाला साल हो बहुत ही अच्छा हो, मंगलमय हो। पूजा पाठ तो हो गया, आप भगवान की पूजा के बाद पेट पूजा की। आज है न्यू ईयर, सब कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, लेकिन हम लोग कहीं नहीं गए हैं घूमने। हम लोग हॉस्टल में ही हैं और यहाँ पर ही चिकन वगैरह बनाया जा रहा है। तो अर्चना दी आज बना रही है चिकन, चलिए देखते हैं। अर्चना दी बना रही है चिकन, चिकन देख लीजिए। देखिए सबको मिलकर बनाना है तो हम लोग सब कुछ कुछ हेल्प कर देते हैं। सकते हैं कि चिकन हो गया है रेडी, एकदम गर्मा गर्म रेडी हो गया है। देखिए अर्चना दी पापड़ सेक रही है, आप उसे छान भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है तो आप उसे सेक लीजिए, ये भी टेस्टी लगता है। और इधर सलाद भी कट चुका है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर मनाएंगे पिकनिक, ये हम लोग के हॉस्टल का ही छत है। देखिए बाहर का व्यू, सबसे पहले ज्योति दी का प्लेट खाली हुआ, देखिए कितना खाती है वो और ले रही है। लेना है? नहीं नहीं हम नहीं लेंगे। तो लेना वो दीदी अभी खा रही है, प्रोसेस में है, बोल रही है और लेंगे, अभी रुको रुको। देखिए पूरा एकदम चट कर गई है, एकदम हड्डी भी नहीं बचा है। देखिए सब एकदम खा गई है हड्डी के साथ। सो गाइस खाना हम लोग खा लिए हैं, आज बहुत टेस्टी था। मतलब जो भी बनाती है कुक अच्छा बनाती है, लेकिन आज थोड़ा हम लोग के तरीके से था, हम लोग ने बहुत स्पाइसी बनाया था जैसे हम लोग घर में खाते हैं। हॉस्टल में हमेशा थोड़ा हर चीज़ कम दिया जाता है ताकि सारे बच्चे, क्योंकि एक जैसा तो नहीं खाते हैं, किसी को सबका टेस्ट अलग अलग होता है, किसी को ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, किसी को नहीं, तो इसलिए हॉस्टल में थोड़ा उसको ऐसे बनाया जाता है ताकि सारे बच्चे खा लें। तो आज लेकिन हम लोग बहुत स्पाइसी बनाए थे एकदम घर के जैसा, तो बहुत मज़ा आया। और अभी हम लोग हैं अपने हॉस्टल की छत पर, हम लोग वॉक कर रहे हैं ताकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। तो हम लोग 5 मिनट वॉक करेंगे, उसके जाएंगे, फिर हम लोग सो जाएंगे, फिर देखते हैं शाम को अगर कहीं जाएंगे तो आपको फिर अपने साथ लेकर जाएंगे। आप लोग मेरे साथ ऐसे वीडियो में बने रहिए। बाय, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का जो 1 जनवरी का दिन है बस खत्म होने को है, शाम हो गया है। तो हम लोग तो ऐसे हॉस्टल में रहे, कहीं गए नहीं, बहुत घूमने जाते हैं, लेकिन हम लोग हॉस्टल में ही सारा दिन बीत गया। फिर भी मज़ा आया और घर का भी थोड़ा याद आ रहा था कि घर में रहते तो अच्छा रहता है सबके साथ, फैमिली के साथ। तो अभी हम लोग जाएंगे सिटी सेंटर, वहाँ पर मेरी बहन रहती है, वो लोग का ट्रेनिंग चल रहा है, तो वो लोग अभी 1 महीना के लिए यहीं पर है। तो सोचे फैमिली नहीं तो कम से कम वहाँ चले जाते हैं, अपनी बहन से मिल लेंगे। तो चलिए जाते हैं अपनी बहन के हॉस्टल।
चलिए चलते हैं रूम, चलिए आपको मिलाते हैं सबसे। ये है मेरी बहन मोनिका। हाय गाइस। ये है मनीषा। हाय गाइस। और ये है पूर्णिमा। हेलो। तो ये लोग आज बनाएगी मेरा फेवरेट खाना। तो मेरा फेवरेट खाना क्या है? मैगी। बिल्कुल सही, मेरा फेवरेट खाना है मैगी। जिसको खाए बिना हमको अच्छा नहीं लगता है। हमको वीक में वो चाहिए तो चाहिए, लेकिन इस बार हम बहुत दिन से खा नहीं पाए क्योंकि हॉस्टल आ गए हैं। घर में तो मेरा रेगुलर चलता था मैगी, तो आज ये लोग बनाएगी मैगी। देखिए इधर इनको देखिए, ये पहले से खाना स्टार्ट कर दिए है। गलत बात, गलत के लिए अकेले इनको मैगी नहीं देंगे हम। वही ना, हम लोग एकदम निंजा टेक्निक का यूज करेंगे, एकदम जो शॉर्ट टाइम में बन जाए वैसा मैगी बनाएंगे। वैसे भी आप लोग जानते हैं हॉस्टल के बच्चे बहुत आलसी होते हैं। हमारा मैगी हो गया रेडी, अब हम लोग जाएंगे खाने। देखिए डिनर हो गया रेडी। आज पहली बार खाएंगे हम पिज्जा, कभी नहीं खाए हैं तो बहुत थोड़ा एक्साइटेड है कि जाने के लिए कि कैसा लगता है खाने में इसका स्वाद। तो आज लेंगे हम पिज्जा का टेस्ट। देखने में तो काफ़ी लजीज लग रहा है। अब देखते इतना सारा मिर्ची पाउडर, देखते हैं खाने में कैसा लगेगा। और इस तरह आज का दिन भी खत्म होता है, 2021 का फर्स्ट डे। बहुत एंजॉय किया हम लोग, अपने हॉस्टल में भी किए और यहाँ आकर भी। जो फैमिली का कमी था वो पूरा हो गया। कि आपको आज का ब्लॉगिंग मेरा अच्छा लगा हो और कमेंट करके बताइए कि बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा इस ब्लॉगिंग का। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आप मुझे इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप सबको बाय, सबको बोलो गुड नाइट।